सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक गैटिंग में। दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आई एम पवन और आप देख रहे हैं टेक गैटिंग। आज दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, जहाँ पे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, अगर आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है अगर वो कंप्रोमाइज्ड हो गया है। कंप्रोमाइज्ड का मतलब ये होगा कि अगर आप उसका पासवर्ड भूल चुके हैं, पासवर्ड आपको याद नहीं है, या कुछ भी इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम है, तो इंस्टाग्राम से प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास आ चुका है। मैं आपका चैनल जो है इंस्टाग्राम अकाउंट का, अगर आप कुछ गलत तरीके की मिस्टेक करते हैं तो आपका चैनल क्या होता है, कंप्रोमाइज्ड हो जाता है। कंप्रोमाइज्ड का मतलब क्या होगा, आप स्क्रीन पे कुछ इस तरीके की आप जो एनिमेशन देख रहे होंगे कि, तो इसका मतलब क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि इंस्टाग्राम पे आखिर प्रॉब्लम क्या आती है। तो मेरे पास जो मैसेज आ चुका है तो मैं उसी मैसेज को पढ़ के आपको सुनाने वाला हूँ अभी। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मेरा लिखा हुआ है, योर अकाउंट वाज कंप्रोमाइज्ड, यानी आई लुक यू कैन शेयर योर पासवर्ड विद द सर्विस टू हेल्प यू गेट मोर लाइक फॉलोवर्स एंड इट। अगर आपने इंस्टाग्राम पे कुछ फॉलोवर और लाइक बढ़ाने के लिए अगर लोगों को अपना लिंक शेयर किया हुआ है, किसी का भी लिंक शेयर किया हुआ है, तो आपका अकाउंट क्या होगा, कम्युनिटी गाइडलाइन के स्ट्राइक आ जाएगा। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का मतलब ये होगा कि आपका चैनल, योर चैनल इन कंप्रोमाइज्ड हो जाएगा। आपका चैनल क्या होगा, कंप्रोमाइज्ड हो जाएगा अगर आप इस तरीके की किसी तरीके से अगर आप फॉलोवर बढ़ाना चाहते हैं। तो योर चैनल कंटेंट वाज कंप्रोमाइज्ड, यानी आपका चैनल जो है कंप्रोमाइज कर दिया जाता है, उस पर कुछ शो नहीं करेगा, खाली आपका जो आपके डीपी शो करेगा और आपका यूजर नेम शो करेगा, बाकी उस पर कुछ शो होने वाला नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास आ चुका है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसका जो फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट वापस ला सकते हैं। मेरे पास ऐसी बेहतरीन ट्रिक है, मैंने लोगों को बहुत सारे लोगों को ट्रिक बताई है, मेरे पास हज़ारों ट्रिक हैं। अगर आप हमारे वीडियो नहीं देखे हुए तो मैं हर एक डे बाई डे आपको एक न्यू जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप नई जानकारी सीख सकते हैं। तो वीडियो प्ले लिस्ट में जा करके आप बहुत सारे वहाँ ट्रिक हैं, जो ट्रिक आप देख करके अपने मोबाइल का सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो इस टॉपिक की बात करते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट की। तो इंस्टाग्राम अकाउंट आप कैसे वापस लाएंगे, तो ये ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चल के। जब भी आपके मोबाइल के स्क्रीन पर चलेंगे आपको दिखाएंगे इस ट्रिक का यूज, कि आपको इस ट्रिक का किस तरीके से यूज करना है, और ट्रिक का यूज करके आपको अपना इंस्टाग्राम वापस करके मैं दिखाऊंगा। ये मेरी 100% गारंटी है। अगर आपका इंस्टाग्राम वापस नहीं आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना। अगर आपके ट्रिक काम करती है, 100% काम करते हो, आप हमारे चैनल को लाइक करना और शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, आप दिखाते हैं बेस्ट 100% वाली ट्रिक जो आपके बहुत ही काम आने वाली। चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो जैसे कि गाइस देख सकते हैं हम आगे अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, तो मोबाइल की स्क्रीन पर आपको आ जाना इस तरीके से और अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाना है। तो जैसे गाइस आपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे आएंगे तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ इस तरीके का ऑप्शन वहाँ पे शो करने लगेगा, जहाँ पे लिखा हुआ है योर अकाउंट वाज कंप्रोमाइज ए लुक लाइक योर शेयर योर पासवर्ड विद द सर्विस। तो आप लोग अपना पासवर्ड कई लोगों को शेयर किया, अपना लिंक शेयर किया है, तो इसलिए आपका चैनल यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने का मतलब ये है कि आपका चैनल कंप्रोमाइज्ड हो जाता है, यानी आप इसको दोबारा ओपन नहीं कर सकते, या दोबारा ओपन करने के लिए तो आपको इसमें सिस्टम क्या मांग रहा है, इसमें ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, तब जाके आपका जो ओल्ड अकाउंट है वो आपका अकाउंट जो है वो अपडेट होगा। तो अगर हमें ये ओल्ड अकाउंट हमारा पासवर्ड नहीं पता है तो हम किस तरीके से ये ओल्ड अकाउंट का पासवर्ड भी जान सकते हैं और इस इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन भी कर सकते हैं। तो ओपन करने के लिए हमारे पास यहाँ सोल्यूशन आ चुका है। सोल्यूशन हमारा क्या है, तो डायरेक्ट हम पहले इसको बैक कर लेते हैं। तो हमारा सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाए, डायरेक्ट हम अपनी प्रोफाइल पर चलते हैं इस तरीके से, और जिस तरीके का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे शो हो जाए बार बार आपको बैक करना है, फिर यहाँ पे सेटिंग पे चले जाना है, फिर से आपके पास वही ऑप्शन है, फिर से एक बार आपको बैक करना है, फिर सेटिंग आपको फिर से ओपन कर लेना है इस तरीके से। तो फिर से आपको यहाँ से इस तरीके का अकाउंट आ जाए, फिर से आपको थोड़ा बैक करना है और यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फिर से आपको वही देखने को मिल जाएगा, लॉग आउट पर क्लिक करना है इस तरीके से, और बार बार ऑप्शन शो होता है तो बार बार बैक करके आपको सेटिंग को यहाँ से लॉग आउट मानना है। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको लॉन्ग आउट मान लिया है, तो लॉन्ग आउट मानने के बाद मेरे पास सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फिर आने के बाद क्या करना है, तो आपको अपना यहाँ पे लिखा होगा रिमूव करके, तो रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से रिमूव ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आईडी डाल देनी है, जो भी ईमेल आईडी आपके फेसबुक अकाउंट पे हो, तो जो भी जीमेल आईडी आपके फेसबुक अकाउंट पे होगी तो जीमेल आईडी आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी ऐड कर दी है, तो आपको भी इसी तरीके अपनी जीमेल आईडी ऐड कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जीमेल आईडी ऐड करने के बाद नेक्स्ट वाले अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आप मैसेज का कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर लिखा होगा सेंड ऑन ईमेल, सेंड एसएमएस, लॉग इन विद फेसबुक अकाउंट। तो यहाँ पर हमें वो चीज़ यूज करना है जो हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो हमें यहाँ पर जीमेल अकाउंट यहाँ पे लॉगिन किया है, तो हमें जीमेल अकाउंट वहाँ पे ओपन करना होगा। तो यहाँ पे जीमेल अकाउंट पे हम कर देंगे कि हमारा मैसेज जो सेंड होगा वो किस पे जाएगा, जीमेल अकाउंट पे जाएगा। तो इसी जीमेल वाले अकाउंट पे हम क्लिक कर देंगे।
तो जैसे हम जीमेल वाले अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा मैसेज ये जीमेल अकाउंट पे यहाँ पे सेंड हो जाएगा। तो जैसे यहाँ जीमेल अकाउंट में आ जाते हैं, हमारे यहाँ पासवर्ड आ चुका है, तो यहाँ पे पासवर्ड रिसेट करने का मैसेज आ चुका है, तो उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो फिर हमारे सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहाँ पे लिखा होगा रिसेट योर पासवर्ड। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जहाँ पे लिखा होगा रिसेट योर पासवर्ड। तो इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, रिसेट योर पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा होगा न्यू पासवर्ड और यहाँ पे जो पासवर्ड आपको दोबारा चेंज यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो आपको पासवर्ड यहीं पे न्यू पासवर्ड और जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पासवर्ड आप बना सकते हैं तो मैं पासवर्ड बनाना चाहता हूँ, मेरा पासवर्ड यहाँ पे बना लेता हूँ। फिर यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैंने अपना पासवर्ड बना लिया, तो आपको इसी तरीके का पासवर्ड बना लेना है। और पासवर्ड बनाने के बाद आप डायरेक्ट पासवर्ड बनाने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ओके कर देना होगा। पासवर्ड बनाने के बाद क्या करना होगा, यहाँ पे ओके कर देना होगा। तो यहाँ पे हमें अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ जाना है और आने के बाद यहाँ पे हमारा पासवर्ड और यूजर नेम डाल देना है। तो मेरे यहाँ पे यूजर नेम यहाँ पे ये है, आपको यूजर नेम दिख रहा होगा, पासवर्ड मुझे यहाँ पे डालना, जो भी पासवर्ड मैंने वहाँ बनाया होगा तो मुझे पासवर्ड अपना वहीं इसी पे सेव करना है। तो मैंने पासवर्ड अपना यहाँ पे डाल देना है, तो आपको भी इसी तरीके से अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दिया, तो इस तरीके का अपना पासवर्ड आपको डाल देना है। यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर दें, जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जहाँ आपको आपको बताएगा पासवर्ड सेव करना चाहते हैं, जो आप सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इंस्टाग्राम यहाँ से अच्छे खासे यहाँ पे इंस्टाग्राम मेरा ओपन हो चुका है। तो मेरा इंस्टाग्राम रीओपन हो चुका है 100% ट्रिक के साथ में। तो इसी ट्रिक का हमें यूज करना था जो हमारा इंस्टाग्राम वापस आ सकता है। तो मेरे देख सकते हैं फॉलोवर जो भी पोस्ट मेरा सब यहाँ पर वापस आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को वापस ला सकते हैं आसान और बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो दोस्तों लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, मिलते हैं गाइज और ऐसे इंटरेक्टिव वीडियो में। सो गाइज बाय बाय।